शोहरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ कुलियानवी की मशहूर ज़माना आप भी थी। इम्तियाज़नामा अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 43, ईद कार्ड और पठान लड़का। हमारे बचपन में अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों को ईद कार्ड भेजने का बहुत ज़्यादा रुझान था। 1996 में जब मैं रोज़नामा पाकिस्तान में काम कर रहा था, इस वक्त भी हम दोस्त एक दूसरे को ईद कार्ड भेजा करते थे। जो ही ईद नज़दीक आती, जगह जगह ईद कार्ड के स्टॉल्स लग जाते। 1 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक हर किस्म के कार्ड बाज़ार में दस्तयाब होते थे। ये आपकी जेब पर मुनहसर था कि आप किस कीमत का कार्ड ले सकते हैं। किताबें और ईद कार्ड खरीदने के लिए इस्लामाबाद में मेरी पसंदीदा जगह मिस्टर बुक्स थी। इस दुकान से न सिर्फ हर नई शाया होने वाली किताब मिल जाती थी, बल्कि इंतहाई खूबसूरत और दीदा जेब ईद कार्ड भी दस्तयाब होते थे। गो के इन कार्ड्स की कीमत ज़्यादा होती थी, मगर मिस्टर बुक्स के मयार के ईद कार्ड्स गुलियाना या गोजर खान में दस्तयाब नहीं थे। मैं हर ईद पर 20 ईद कार्ड खरीद कर अपने प्यारों को पोस्ट किया करता था। ये खूबसूरत रिवायत थी जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद थी। हज़ारों ईद कार्ड में से अपनी पसंद का ईद कार्ड मुंतखब करना भी एक मुश्किल मरहला होता था। कार्ड के पहले सफ़े पर इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन बने होते थे। आपको भेजने वाले के साथ रिश्ते की मुनासबत से कार्ड तलाश करना होता था। वालदेन को भेजे जाने वाले कार्ड के डिज़ाइन मुख्तलिफ होते थे, बहन भाइयों की तरफ से भेजे जाने वाले और तरह के, जबकि दोस्तों और दोस्तियों को भेजे जाने वाले कार्ड ज़रा स्पेशल किस्म के होते थे, सुर्ख फूलों से आरास्ता या दिल बने हुए वगैरह वगैरह। न जाने क्यों ये रिवाज भी आम था कि कार्ड के अंदर शेर बल्कि अशार लिखने होते थे। यूरोपियन ममालिक में आज भी हर त्यौहार पर ईद कार्ड देने का रिवाज है, मगर पाकिस्तान में स्मार्टफोन आने के बाद कार्ड पोस्ट करने का सिलसिला इंतहाई कम हो गया है। मेरी लाइब्रेरी में जहां सैकड़ों किताबें पड़ी हैं, वहां हज़ारों की तादाद में मोहब्बत करने वाले हाथों से लिखे हुए ईद कार्ड भी मौजूद हैं, जो सुनहरे माजी की खूबसूरत लम्हों की याद दिलाते हैं। जब मैं रोज़नामा पाकिस्तान में काम करता था, इस वक्त हम कुलीग्स में ईद के दिनों में ये मुकाबला भी होता था कि देखते हैं किस बंदे को सबसे ज़्यादा कार्ड वसूल होते हैं और किसको मौसूल होने वाला कार्ड सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा। सादा सी बात है, जो बंदा ज़्यादा लोगों को कार्ड्स भेजता था, बदले में उसे भी ज़्यादा कार्ड्स मौसूल होते थे। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जब भी किसी को कोई चीज़ तोहफे में दूँ, ख्वाह वो एक कार्ड ही क्यों ना हो, खूबसूरत और मयारी होना चाहिए। इस वजह से मेरे कार्ड दोस्तों को बहुत पसंद आते थे और ये फ़िक्रा मुझे अक्सर सुनने को मिलता था कि इम्तियाज़ मुझे दर्जनों कार्ड्स मौसूल हुए हैं, मगर सबसे प्यारा कार्ड तुम्हारा भेजा हुआ था। ऐसा नहीं था कि हम कार्ड सिर्फ दूर दराज रहने वाले दोस्तों को ही भेजा करते थे, बल्कि जिन दोस्तों से रोज़ाना मुलाकात होती थी, इन्हें भी पोस्ट कार्ड किया जाता था। ईद कार्ड ईद से 1 हफ्ता पहले से लेकर 1 हफ्ता बाद तक मौसूल होते रहते थे। ये वाकया हमें रोज़नामा पाकिस्तान के न्यूज़ डेस्क पर बैठे हुए पेश आया। ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद हम दोस्त मौसूल होने वाले कार्ड्स के बारे में गपशप कर रहे थे। हर एक मौसूल आने वाले कार्ड की तादाद बता रहा था। किसी को 40 कार्ड मौसूल हुए तो किसी को 60 और चंद एक को तो इससे भी ज़्यादा। एक पठान लड़का जो अखबार की कैंटीन में काम करता था,
इसकी उम्र अंदाजन 16 या 17 साल होगी। वहाँ काम करते हुए इसे 5-6 साल का अरसा हो चला था। वो भी कार्ड्स की तादाद पर होने वाली हमारी बहस सुन रहा था। कुछ देर तो पठान लड़का खामोशी से ईद कार्ड्स की तादाद के मुतालिक हमारी गुफ्तगू सुनता रहा। फिर उसने इंतहाई अदब से हमारी गुफ्तगू में मदाखलत की और कहने लगा, जनाब, इस ईद पर मुझे भी एक कार्ड मौसूल हुआ है। हम सब हैरत से उसकी तरफ देखने लगे कि ये कौन सी अहम बात है जिसे इसने हम सब तक पहुंचाना ज़रूरी समझा। फराज से रहा नहीं गया, इसने अपने मखसूस स्टाइल में कहा, खान साहब, इसमें अजीब बात कौन सी है। फराज का ये तंस या फिक्रा सुनकर वो पठान लड़का थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया और सर झुकाकर कहने लगा, भाई, हम गरीब लोग हैं, हमारी तो दाल रोटी पूरी नहीं होती, हम कहाँ से कार्ड खरीदें और कैसे किसी को भेजें। इसी वजह से मुझे भी कोई कार्ड नहीं भेजता, हालांकि हर ईद पर मेरा दिल चाहता है कि कम से कम कोई एक कार्ड तो आए जिस पर मेरा नाम लिखा हो। इस तरह किसी कार्ड का इंतज़ार करते करते कई ईदें गुजर गईं, और सच पूछें तो मैं भी अपने नाम के आने वाले किसी ईद कार्ड का इंतज़ार करते करते थक चुका था। मगर मुझे ये भी पता था कि मुझे ईद कार्ड किसी ने नहीं भेजना, लेकिन ईद कार्ड तो मुझे वसूल करना ही था। इस ईद पर मैंने अपनी महरूमी का हल निकाल लिया। मैंने बाजार जाकर एक कार्ड खरीदा और इसे अपने ही नाम पर पोस्ट कर दिया। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू और इसकी ईद कार्ड खुद को पोस्ट करने वाली बात सुनकर हम सब दोस्तों के सर शर्म से झुक गए, और इस पठान लड़के का एक ईद कार्ड हम सबको मौसूल होने वाले दर्जनों ईद कार्डों पर भारी पड़ गया। पार्ट 44, रोजनामा पाकिस्तान में नौकरी। सऊदी अरब से वापस आने के बाद मैंने दोस्तों के मशवरे से अपने फकाहिया मजामीन पर मुश्तमिल किताब छोटा मुंह बड़ी बात शाया करवाई। इस किताब की अशात के बाद मुझे हर जगह अच्छी खासी पसीराई मिलने लगी। इल्मी और अदबी हलकों में भी मेरे कदकाठ में इजाफा हो गया। ये शोहरत और पजीराई देखकर मेरा दिल भी चाहने लगा कि मैं इल्मी और अदबी काम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ। इन्हीं दिनों रोजनामा पाकिस्तान में एक इश्तहार छपा कि अखबार को सब एडिटर की पोस्ट के लिए पढ़े लिखे और इल्म दोस्त अफराद की ज़रूरत है। मुझे इस नौकरी में बड़ी कशिश नज़र आई और मैं यही सोचने लगा कि अगर इस अखबार में काम मिल जाए जहाँ पर मेरी ड्यूटी ही पढ़ना लिखना हो तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि वो बंदा दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है जिसका शौक़ ही इसका ज़रिया माश बन जाए। यही सब बातें सोचकर मैंने किस्मत आजमाने के लिए रोज़नामा पाकिस्तान के दफ्तर जाने का फ़ैसला कर लिया। इस वक्त रोजनामा पाकिस्तान का दफ्तर इस्लामाबाद मैलोडी में था। अखबार के एडिटर अकबर अली भट्टी थे। मैंने सदाए पोठोहार अखबार से काम करने के तजुर्बे का सर्टिफिकेट बनवाया और अपना वाहिद किताब छोटा मुंह बड़ी बात बगल में दबाकर अखबार के दफ्तर पहुंच गया। अकबर अली भट्टी के भाई गालिबन, इनका नाम असगर अली भट्टी था, ने अपने दो साथियों के साथ मेरा इंटरव्यू किया। हालात हाजरा, तारीख और सब एडिटर की जिम्मेदारियों के मुतालिक मुझसे कई सवाल पूछे गए। मैंने इन सब सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए। साथ ही मैंने अपनी किताब छोटा मुंह बड़ी बात भी इनकी खिदमत में पेश की। 35 मिनट तक चलने वाले इस इंटरव्यू के बाद मुझे रोजनामा पाकिस्तान में सब एडिटर की हैसियत से नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद मैं इतना खुश था गोया सारी कायनात मेरी मुट्ठी में आ गई हो। इस वक्त मेरी कैफियत इस मासूम बच्चे जैसी थी
जिसे इसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। शुरू में मेरी ड्यूटी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होती थी। ड्यूटी के औकात भी मेरे पसंदीदा तरीन थे, क्योंकि जिस वक्त मैं घर से निकलता इस वक्त तक दफ्तर जाने वाले लोगों का रश ख़त्म हो चुका होता। और फिर शाम 7 बजे छुट्टी करने का मतलब ये था कि मैं शाम को जल्दी फ्री हो सकता था। मुझे हमेशा से ऐसी ही नौकरी की तलाश थी जिसमें शाम का वक्त मैं अपनी मर्जी और अपनी पसंदीदा जगह पर गुजार सकूं। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद का मंज़र हमेशा ही मुझे मुतासिर करता था और मेरी तबीयत पर बड़ा तिलसमाती सा असर डालता। मगर अजब इत्तेफाक था कि पहले जहां पर भी काम किया ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त काम में ही गुजर जाता था, मगर इस नौकरी में 11 बजे से 7 बजे वाली शिफ्ट में काम करके मुझे उम्मीद थी कि मैं ग़ुरूब आफ्ताब के मंज़र से जी भर के लुत्फ़ानंदोज़ हो सकूँ। ये तो खैर मेरी दिली कैफियत थी, जो कि नौकरी शुरू करने की वजह बिल्कुल भी नहीं थी। अखबार में नौकरी करने की दूसरी बहुत सी वजूहात थी जिन सबको बयान करना मुमकिन नहीं। इसके अलावा भी कई हवालों से ये नौकरी बहुत अहम थी। इस वक्त अखबार में काम करने वाले सहाफ़ियों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। वो जहाँ पर भी जाते इनकी बड़ी आवभगत होती। मैं इब्तदाई दिनों में हर रोज़ गुलियाना से इस्लामाबाद जाता और शाम को वापस आ जाता, लेकिन फिर जब इस्लामाबाद में मेरा हल्का अहबाब बन गया तो मैंने अपनी रिहाइश पिंडी में रख ली और कभी कभार इस्लामाबाद में वाकई अपनी कोठी में रात गुजार लेता। बिलाशुबा रोज़नामा पाकिस्तान इस्लामाबाद में काम करते हुए वहाँ गुजारे चंद साल का अरसा मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों में से था। अखबार के दफ्तर में काम करते हुए ऐसी हकीकतें मुझ पर मुनकशिफ हुईं जो आम आदमी की दस्तरस से हमेशा दूर रहीं। अखबार में काम करते हुए मेरी रसाई कई अहम मामलात तक हो गई, जिसकी वजह से मेरे दिल में बसे कई अहम अशख़ास की अहमियत और सच्चाई व पाकिजगी के बुत चकनाचूर हो गए और तल्ख हकीकत की एक बेरहम दुनिया मुझ पर मुनकशिफ हो गई। अखबार के दफ्तर में काम करते हुए मिलने वाली मालूमात की वजह से पाकिस्तान के सियासी और मजहबी जमातों के बारे में मेरी एक मखसूस राय बन गई, जिस पर मैं सारी ज़िंदगी कायम रहा। सियासी और मजहबी जमातों की गली कुछ इस तरह से खुलकर मेरे सामने आई कि मैं पूरी ज़िंदगी, जी हाँ पूरी ज़िंदगी, ना तो किसी सियासी जमात का रुकन बना और ना ही मेरे ज़मीर ने ये गवारा किया कि मैं किसी मजहबी जमात का हिस्सा बनूं। जब मैंने इस्लामाबाद और रोज़नामा पाकिस्तान में काम शुरू किया तो इस वक्त तक हमारे एडिटर हामिद मीर साहब थे और शिफ्ट इंचार्ज जावेद चौधरी। इस वक्त ये दोनों हजरात इतने मशहूर नहीं हुए थे। मज़े की बात ये थी कि इन दोनों की आपस में भी नहीं बनती थी। हामिद मीर थोड़े मगरूर टाइप थे, मगर जावेद चौधरी बड़े हंसमुख और गपशप वाले बंदे थे। हर वक्त मुस्कुराते रहते और लतीफ़े तो वो बात बात पर सुनाते थे। जावेद चौधरी साहब के केले बड़े मशहूर थे। जब भी हम कैंटीन से लंच या डिनर मंगवाते, इस वक्त जावेद चौधरी अपने थैले से केले निकालकर खाना शुरू कर देते। जावेद चौधरी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, वो उर्दू भी पंजाबी लहजे में बोलते थे। हाँ, मुताले का शौक़ भी इन्हें बहुत ज़्यादा था। एक जूनियर होने के नाते मेरी इनसे गपशप ज़्यादा तो न थी, मगर शिफ्ट का हिस्सा होने की वजह से डेस्क पर बयान होने वाली कई दास्तानों का चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी ज़्यादा गपशप बहावलपुर के मलिक असलम और फराज के साथ थी। मलिक असलम तो वक्त की गर्द में कहीं ओझल हो गए, मगर फराज से आज भी अच्छी गपशप है। फराज साहब आजकल सहाफत छोड़कर अच्छा बच्चा बना हुआ है। इसके अलावा काजी एहतशाम से भी अच्छी गपशप थी।
पहले दिन जब मैंने रोज़नामा पाकिस्तान में जाकर अपना तारुफ करवाया कि मैं गुजर खान से हूँ, तो जावेद चौधरी का बोला हुआ फिकरा मुझे आज भी याद है। मौसूफ फरमाने लगे, गुजर खान में तो मूँगफली पैदा होती है या फिर फौजी, ये सहाफ़ी गुजर खान में कहाँ से पैदा होना शुरू हो गए। शायद आजकल की नस्ल को हैरत हो कि एक ऐसा दौर भी था जब सहाफत बड़ा मुकद्दस पेशा थी और सहाफ़ी को बड़ी इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। मुझे आज भी याद है कि मेरी मंगल को दफ्तर से छुट्टी होती थी, इसलिए पीर को शिफ्ट ख़त्म करके रात को ही गुलियाना चला जाता था। इस वक्त इंफॉर्मेशन का ज़रिया सिर्फ अखबारात होते थे और सेंसरशिप इतनी अच्छी खासी सख्त होने की वजह से काफ़ी ख़बरें दब जाती थीं। चूँकि हम लोगों के पास बहुत सी अहम मालूमात होती थी जो अखबार में नहीं छप सकती थी, क्योंकि एक तो सेंसरशिप और दूसरा हर अखबार की अपनी एक पॉलिसी होती थी। इस वजह से सहाफ़ियों की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। जिस जगह पर भी जाओ इज़्ज़त और एहतराम तो मिलता ही था, और साथ ही अमूमन एक सवाल ज़रूर किया जाता था कि जनाब कोई अंदर की ख़बर सुनाएं। जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज़ में दो नंबरी आ गई है, इसी तरह सहाफ़त में भी दो नंबरी आ गई है और सहाफ़ियों की इज़्ज़त कम हो गई है। मगर उन सहाफ़ियों की इज़्ज़त और एहतराम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो अपने शोबे के साथ मुखलिस हैं और अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर हक की सच की बात करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि आजकल हर बंदा सहाफ़ी बना फिरता है। एक दोस्त ने एक किस्सा सुनाया, दरोग़ बरगर्दन रावी के घरेलू फंक्शन के लिए मैं एक देग पकाने वाले के पास गया और उस पर रोप डालने के लिए बतौर सहाफ़ी अपना तारुफ करवाया, तो इसने अपना कामकाज छोड़कर प्याज की बोरी में हाथ डालकर पर्स निकाला, पर्स के अंदर से एक कार्ड निकालकर मुझे दिखाया। मौसूफ़ देगे पकाने के अलावा रोज़नामा मोतीचूर के ब्यूरो चीफ भी थे। मैं शर्मिंदा सा होकर वहाँ से खिसक लिया, आगे फल वाले की दुकान पर गया और वहाँ पर सहाफ़त की ताकत दिखाने के लिए बतौर सहाफ़ी अपना तारुफ करवाया, तो पता चला कि जनाब रोज़नामा आम अनार के एडिटर हैं। इसके बाद किराने वाले की दुकान पर बतौर सहाफ़ी अपना तारुफ कराया, तो जनाब ने तराजू एक साइड पर रखा और झट जेब से कार्ड निकालकर मेरे सामने रख दिया। वो जनाब भी किसी रोज़नामा ऊंची दुकान के नुमाइंदे खसूसी थे। इस दुकानदार ने बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए कहा, मोहतरम जो कुछ लेना है चुपचाप लो, ये सहाफ़त का रोप हम पर मत झाड़ो। हमारी दुकान में आजकल वैसे भी गाहक कम और सहाफ़ी ज़्यादा आते हैं। मेरे दोस्त जो एक सिक्का बन सहाफ़ी हैं कहने लगे, इस दिन के बाद मैंने कभी भी अपना तारुफ सहाफ़ी के तौर पर नहीं करवाया। आटे में नमक के बराबर फराड फ्रॉड हमारे दौर में भी चलता था। कई बार कैंटीन में काम करने वाले लड़के बताते थे कि रात को जब हम छुट्टी करके जाते हैं तो पुलिस वाले तंग करते हैं। इस तरह कोई मेहरबान इनका भी सहाफ़ी कार्ड बनवा देता और जब कभी इन्हें ज़रूरत पड़ती तो वो भी अपना सहाफ़ी वाला कार्ड दिखाकर इनसे जान छुड़ा लेते। हम लोग ऐसे बंदों के लिए एक इस्तेलाह इस्तेमाल किया करते थे, नामवर सहाफ़ी। ये इस्तेलाह सबसे पहले मैंने ही इस्तेमाल की कि किसी भी दो नंबर सहाफ़ी को नामवर सहाफ़ी कहना। बाद में ये इस्तेलाह खासी मकबूल हो गई और मज़े की बात यह है कि मैं अक्सर किसी भी दो नंबर सहाफ़ी के मुंह पर भी सब के सामने नामवर सहाफ़ी कह देता, जिसे वो अपनी तारीफ समझकर खुश होता। और वाकिफान हालो दोस्त भी समझ जाते कि इससे मेरा मतलब क्या है। इस वक्त मेरी जॉब सब एडिटर की थी, 8 सफ़े का अखबार का एक सफ़ा मेरी जिम्मेदारी होता था। शुरू में मैं अंदर के अहम सिफात का इंचार्ज गैर अहम सिफात का इंचार्ज होता था,
फिर आहिस्ता आहिस्ता अहम सिफात भी मुझे मिलने लगे। मेरी जॉब में दो काम बहुत मुश्किल थे। एक तो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे नुमाइंदगान की तरफ से आने वाली खबरों और मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से आने वाली खबरों में चंद अहम खबरों को सेलेक्ट करना करके उन्हें छापना। हर नुमाइंदे की ख्वाहिश होती कोशिश यही होती थी कि इसकी भेजी हुई खबर ज़रूर अखबार की जीनत बने। और दूसरा काम इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता था, खबर की और ये फैसला करना कि आया ये खबर एक कॉलमी है दो कॉलमी या तीन कॉलमी। रोज़नामा पाकिस्तान में सब एडिटर की तरबियत के दौरान हमें मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती थीं कि बहुत सी खबरों में से कौन सी खबर चुनकर अखबार में लगानी है, खबर की सुर्खी कैसे निकालनी है, और फिर खबर की अहमियत के मुताबिक इसे एक कॉलमी दो कॉलमी या तीन कॉलमी बनाना है। एक दिन तरबियत के दौरान हमें बताया गया कि अगर एक ही खबर मुख्तलिफ जावियों से आए या एक ही खबर के मुख्तलिफ हिस्से हों तो आपका कमाल ये है कि इन खबरों को जोड़कर एक खबर बना दें। मसलन आपके पास ये खबर आई है कि नवाज शरीफ ने सियालकोट का दौरा किया, नवाज शरीफ ने सियालकोट में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की, नवाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश का दौरा किया, नवाज शरीफ ने सियालकोट को गैस की फराहमी का ऐलान किया, तो आपकी क्वालिटी ये है कि इन चारों को जोड़कर एक ही खबर बना दें। नवाज शरीफ ने सियालकोट का दौरा किया, दौरे के दौरान नवाज शरीफ ने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की और इसके साथ अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश का दौरा किया। इसके अलावा नवाज शरीफ ने अहले सियालकोट के लिए गैस की फराहमी का ऐलान भी किया। हम सब ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस मिसाल से सबक सीखा। लड़का जो कि चंद दिन कबल हमारे ग्रुप में शामिल हुआ था, मैं इसका नाम नहीं लिख रहा क्योंकि आजकल एक टीवी चैनल पर मशहूर एंकर है, इसने दो खबरों को मिलाकर एक ही खबर बनाई जो कि बदकिस्मती से अगले दिन के अखबार में छप भी गई। वो अखबार आज भी मेरे पास मौजूद है। खबर कुछ यूं थी, मलिक इफ्तिखार को सिविल अस्पताल का नया एमएस मुकर्रर किया गया है। खबर नंबर दो, मौजज़ीन शहर का मुतालबा है कि सिविल अस्पताल के साथ मुल्हिका कब्रिस्तान का अहाता वसी कर दिया जाए। इस जवान ने दोनों खबरों को मिलाकर खबर कुछ यूं बनाई, मलिक इफ्तिखार को सिविल अस्पताल का नया एमएस मुकर्रर किया गया है, इसलिए मौजज़ीन शहर का मुतालबा है कि सिविल अस्पताल के साथ मुल्हिका कब्रिस्तान का अहाता वसी कर दिया जाए। रोज़नामा पाकिस्तान में मुलाजमत के दौरान इन दो कामों का रिवाज मैंने डाला जो कि बाद में रूटीन का हिस्सा बन गए। एक तो ये कि किसी भी खबर की सुर्खी लिखने से पहले इसके ऊपर खबर के मुतालिक कोई मिसरा लिख दिया जाए, जैसे अगर कोई गरीब खबर गरीब के हालत ज़ार के बारे में होती तो ये मिसरा सुर्खी के ऊपर लिखा जाता, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। दूसरा रिवाज जो मैंने डाला था वो ये कि तुलुए आफ्ताब या गुरुबे आफ्ताब की तस्वीर लेकर खूबसूरत से कैप्शन के साथ अखबार के सफ़े पर लगा देता। कुछ अरसे बाद हामिद मीर ने रोज़नामा औसाफ ज्वाइन कर लिया और जावेद चौधरी कायनात अखबार से मुंसलिक हो गए। इनके बाद खालिद महमूद और शफ़ी साहब हमारे इंचार्ज बन गए। शफ़ी साहब पाकिस्तान रेडियो से रिटायर हुए, मेरी इनके साथ गुरबत ज़्यादा थी। इन दिनों हमारे ग्रुप में ये रिवाज आम था कि अगर किसी साथी को जुर्माना पड़ता या कोई और खुशी का मौका होता तो मैलूडी में हमारे दफ्तर के पास ही ढाका स्वीट के नाम से मिठाइयों की एक दुकान थी, वहाँ से संदेशे जिसे बंगाली लोग संदेशे बोलते हैं मंगवा लेते थे। शफ़ी साहब को शुगर भी थी मगर वो मिठाई ज़ौक़ और शौक से खाया करते थे। मैं जब भी इन्हें मना करता तो हमेशा एक ही जवाब दिया करते थे कि इम्तियाज़ बेटा, मेरी शुगर इस वक्त हाई होती है जब मैं अपने पैसों से ख़रीद कर मिठाई खाऊं।
फ्री की मिठाई खाने से कभी मेरी शुगर हाई नहीं होती। एक मर्तबा मैं राडो घड़ी पहनकर ऑफिस आ गया। पहले तो शफी साहब ने मेरी घड़ी की तारीफ की, फिर पूछने लगे कितने में खरीदी है। मैंने कीमत बताई तो हैरत से बोले ये घड़ी तो बहुत महंगी है। फिर कहने लगे इस घड़ी और मेरी कैसियो घड़ी में जो मैंने 150 रुपए में ख़रीदी है क्या फ़र्क है, आपकी घड़ी भी वक्त बताती है और मेरी घड़ी भी वक्त बताती है। शफी साहब की बात सुनकर मलिक असलम फौरन बोल पड़े, शफी साहब आपकी घड़ी सिर्फ वक्त बताती है मगर इम्तियाज़ की घड़ी वक्त के साथ औकात भी बताती है। औकात सुमायने लफ्ज़ है। एक दिन मैं जहर की नमाज़ पढ़ने के लिए ऑफिस से बाहर निकला तो मेरी मुलाकात चौधरी रफाकत से हो गई। रफाकत स्कूल दौर में मेरा क्लास फेलो रहा था, बड़ी मोहब्बत और तपाक से मिला। इन दिनों रफाकत मलिक बारी के साथ काम कर रहा था, मलिक बारी इलेक्शन की तैयारियों में था। मैंने रफाकत के कहने पर मलिक बारी के हक में कई खबरें भी अखबार में लगा दी। अखबार में काम करने का दौर बड़ा मज़ेदार दौर था। इस वक्त अखबार यानी प्रिंट मीडिया की बड़ी ताकत थी। अखबार में छपने वाली एक खबर किसी भी इंसान को हीरो बना सकती थी और किसी हीरो को ज़ीरो बनाने की ताकत भी रखती थी। जंग नवाए वक्त के बाद तीसरा बड़ा अखबार पाकिस्तान था। अखबार के काम के दौरान मैंने तमाम सियासी लीडरों को बहुत करीब से देखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत पर से मेरा एतमाद बिल्कुल उठ गया। मैंने देखा जो लीडर मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं वो अपनी पार्टी में इलेक्शन करवाने के रवादार नहीं। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ नामों से पार्टियां बना रखी हैं मगर अंदर से सब आपस में मिले हुए हैं। यही हाल मजहबी जमातों का भी है, वो सिर्फ मजहब के नाम पर वोट ले लेते हैं। हकीकी मजहब से आम आदमी की फलाह से भी इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अखबार में काफ़ी लोग काम करते थे जिनमें मेरी गपशप फराज, मलिक असलम, मसूद, माजिद, काजी एहतशाम और जहीर बाबर से ज़्यादा थी। मलिक असलम का ताल्लुक बहावलपुर से था और बड़ा स्टाइलिश बंदा था। एक बार कायद आज़म यूनिवर्सिटी के चंद तलबा को पुलिस ने पकड़ लिया। किसी वास्ते से मुझे सिफारिश के लिए कहा गया। मैं चंद दोस्तों के साथ थाने गया और इन लड़कों को पुलिस से छुड़वा लाया। इन लड़कों में हामिद नासिर चट्टा का एक अजीज़ भी था जिसका यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा असर रसूख था। इस वाक़े के बाद नौजवान चट्टा साहब से दोस्ती हो गई और कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी हमारा आना जाना शुरू हो गया। पता नहीं चट्टा साहब मेरे अदबी काम से मुतासिर हुए या कर्ज उतारने के लिए। उन्होंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एक इंतहाई शानदार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब क्या थी, गोया वन मैन शो था। 100 के करीब लड़के लड़कियां हाल में मौजूद थे और स्टेज पर सिर्फ दो बंदे। चट्टा साहब मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और मेहमान खुसूसी सदर महफिल शायर अदीब नक्काद राइटर और सहाफ़ी हजरात की नुमाइंदगी के लिए सिर्फ मैं मौजूद था। पहले तो चट्टा साहब ने मेरी तारीफ़ में ज़मीनों आसमान के कलाबे मिला दिए। फिर मैंने अपनी लिखी हुई चंद गज़लें नज़में और एक अफसाना भी सुनाया। सबसे मज़ेदार और दिलचस्प सिलसिला सवालों जवाब का था। तलबा और तालिबात में से कोई सवाल करता और मैं हस्बे तौफीक जवाब देता। ये तकरीब शाम को शुरू हुई और रात गए तक जारी रही। वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार दिन था और वो तकरीब मेरी ज़िंदगी की यादगार तकरीब में से एक तकरीब थी जिसमें मैं एक लम्हे के लिए भी बोर ना हुआ। और अमूमी तौर पर अदबी तकारीब मेरे लिए इंतहाई बोरियत का बाइस होती हैं। शायद यही वजह है कि मैं अदबी तकारीब में बहुत ही कम शिरकत करता हूँ।
गो के अदबी हलकों में मुतहर्रिक ना होने का नुकसान भी हुआ कि मैं इस तरह मशहूर ना हो सका जितना मुझे होना चाहिए था, मगर मशहूर होने की वो कीमत मैं अदा नहीं कर सकता था, मेरा ज़मीर गवारा न करे, जिसे मेरा ज़मीर गवारा न करे। वैसे भी मेरा मानना है कि वक्त अपना फ़ैसला सुना देता है। अगर मैंने कुछ अच्छा लिखा है तो लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे और मेरे काम को तस्लीम भी किया जाएगा, ख्वाब मेरे मरने के बाद ही ये काम हो। बकौल शायर, उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है कि दफनाएंगे एहसास के साथ। चट्ठा साहब ने एक पजीरो रखी हुई थी, इस वक्त पजीरो की बड़ी वैल्यू थी। एक दिन हम पिंडी सदर में पजीरो में ही घूम रहे थे, चट्ठा साहब पजीरो चला रहे थे, फ्रंट सीट पर मलिक असलम जबकि मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। पजीरो एक जगह खड़ी करके हमने गन्ने का जूस पीने का प्रोग्राम बनाया। अभी हम पजीरो के अंदर ही बैठे हुए थे कि मलिक असलम ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, गुलयानवी साहब देखें, वो सामने सड़क पर पुलिस वाला कैसे एक गरीब सुजुकी ड्राइवर को डांट रहा है। मैंने सामने देखा तो अजीब मंजर था, एक गरीब ड्राइवर हाथ जोड़ जोड़ कर पुलिस वाले से माफ़ी मांग रहा था, जबकि मोटी तोंद वाला पुलिसमैन इसे मुसलसल झाड़े जा रहा था और इससे रिश्वत भी तलब कर रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं सोचने लगा कि हम क्या कर सकते हैं। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने मलिक असलम से कहा कि जाओ और जाकर पुलिस वाले से सिर्फ 5 लफ्ज बोलना, साहब तुम्हें बुला रहे हैं, बाकी मैं संभालूंगा। चट्ठा साहब पूछने लगे, गुलयानवी साहब आप क्या करेंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस आप देखते जाएं, आप गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएं और हाँ, ये रेबन का चश्मा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें। मलिक साहब पुलिस वाले को बुलाने चले गए, चट्ठा साहब गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और मैं चश्मा पहनकर गाड़ी के शीशे चढ़ाकर गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। थोड़ी देर में पुलिस वाला घबराया हुआ गाड़ी के पास पहुंच गया। मुझे इंसानी नफ्सियात का थोड़ा तजुर्बा था, इसलिए चंद सेकंड मैंने पुलिस वाले को गाड़ी के पास खड़ा रहने दिया। फिर एक स्टाइल से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी का शीशा नीचे किया, वो भी पूरा नहीं बल्कि आधा। जैसे ही पुलिस वाले की नज़र मुझ पर पड़ी, इसका रहा सहा एतमाद भी जवाब दे गया और मेरे बोलने से पहले ही वजाहत देने लगा कि सर जी, इस ड्राइवर का कसूर था, ये गलती थी। मैंने बारोब अंदाज में पुलिस वाले को टोका और सिर्फ इतना कहा, बकवास बंद करो और इस बाबे को जाने दो। ये बात कहकर मैंने पुलिस वाले का जवाब सुने बगैर ही गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। पुलिस वाला तो इतनी तेज़ी से भागा जैसे मलकुल मौत से जान छुड़ा कर भागा। हम देख रहे थे कि जाते ही पुलिस वाले ने न सिर्फ ड्राइवर को जाने दिया बल्कि खुद भी कहीं गायब हो गया। मलिक असलम और चट्ठा साहब दोनों हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने मुस्कुराकर चश्मा चट्ठा साहब को वापस किया और इन्हें पिज़्ज़ा हट की तरफ चलने को कहा। ये हमारी ज़हनी गुलामी और इदारों के कमज़ोर होने की एक वाज़े निशानी थी। हम लोग अपने से कमज़ोर के सामने शेर बन जाते हैं और अपने से ताकतवर के सामने भीगी बिल्ली। वो पुलिस वाला वर्दी में होने के बावजूद मुझसे इतना भी ना पूछ सका कि मैं कौन हूँ और किस हैसियत से एक बावर्दी पुलिस वाले को बुलाकर इससे बदतमीजी से हुक्म दे रहा हूँ। इसकी दो बड़ी वजूहात थीं, एक तो ये कि वो गलत काम कर रहा था, यानी बिला वजह किसी को तंग कर रहा था और तंग करके रिश्वत तलब कर रहा था। दूसरा, जब इसने एक महंगी गाड़ी देखी
तो इसके ग़ुलाम ज़हन ने फ़ौरन तस्लीम कर लिया कि इस गाड़ी में बैठा आदमी यकीनन कोई बड़ा अफसर होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर मैं पैदल चलकर पुलिस वाले के पास जाता और इसे मना करता तो पुलिस वाला कभी मेरी बात ना सुनता, बल्कि उल्टा मुझे भी धर लेता। इस दौर के ऐसे ही कई वाक़यात मेरी याद का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद हमारी कोठी में डिप्टी स्पीकर फाइनेंस अनवर खान नियाजी रहते थे। बड़े दरवेश सिफत इंसान थे। वो 32 साल हमारी कोठी में किराएदार की हैसियत से रहे। पहले तो वो सिर्फ किराएदार थे, फिर फैमिली मेंबर जैसे बन गए। जब वो सेक्शन ऑफिसर बनकर इस्लामाबाद आए तो हमारी कोठी किराए पर ली। इसी कोठी में रहते हुए इनकी शादी हुई, फिर इनके बच्चों की भी शादियां यहां ही हुई। वो रिटायरमेंट के बाद यहां से गए। मैं किसी काम के हवाले से जब भी इन्हें फ़ोन करता तो इनका सेक्रेटरी फ़ोन उठाता। जब मैं सेक्रेटरी से सलाम दुआ के बाद अपना तारुफ करवाता तो वो अक्सर ये जवाब देता, साहब मीटिंग में हैं, आप अपना नंबर दे दें, वो कॉल कर लेंगे। मगर जब भी फ़ोन करते हुए बग़ैर सलाम दुआ के मैं बारो बंदाज में कहता, नियाजी साहब से बात कराओ, वो सिर्फ़ मेरा नाम पूछकर लाइन मिला देता। असल में ये सारी ज़हनी ग़ुलामी की अलामतें हैं। जब मैं सलाम दुआ करता और अपना तारुफ करवाता तो सेक्रेटरी जान लेता कि मैं एक आम आदमी हूँ, और जब मैं डायरेक्ट इसके साहब को नाम से बुलाता तो इसका ग़ुलाम ज़हन फ़ौरन इसे बताता, ये कोई बड़ा साहब है। मैंने इस मौजू पर कई कॉलम भी लिखे हैं कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू होने के बावजूद हम इस बंदे को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं जो इंग्लिश बोलता है। ज़ुल्म और ज़हनी ग़ुलामी की इंतहा ये है कि इंग्लिश बोलने वाला बंदा अगर ग़लत उर्दू बोलता है तो हम इससे भी मुतासिर होते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा ग़लत इंग्लिश बोलता है तो हम इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और इसे जाहिल गंवार समझना शुरू कर देते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी लिख दिया था कि हमारी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और अंग्रेज़ी हमारी पदरी ज़बान है। पिछले दो वाक़यात 1996 के हैं, मगर सालों गुजरने के बावजूद आज भी वैसे ही हालात हैं। आप किसी भी दफ्तर में जाकर इंग्लिश में बात करें तो आपको ज़्यादा अहमियत दी जाती है और आपकी बात तवज्जो से सुनी जाती है, और अगर आप उर्दू में बात करें तो आपकी और आपकी बात की अहमियत काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप गलती से पंजाबी या पोठोहारी ज़बान में बात करें तो फिर सिक्का बन जाहिल तसव्वुर किए जाएंगे। एक दिन मैं अखबार के दफ्तर में बैठा अपने डेस्क पर काम कर रहा था कि हमारी अखबार का फोटोग्राफर मुस्लिम लीग कारकुनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर हमले की चंद तस्वीर लाया। मैं चूंकि पहले ही खबर बना चुका था और अखबार का पेज भी तैयार कर चुका था, अब इन तस्वीर की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने तस्वीर को देखे बगैर ही अपने डेस्क की दराज में रख दिया। मैं घर से निकलने ही वाला था कि फराज मेरे पास आ गया और कहने लगा, 10 मिनट इंतज़ार करें गुलियाना साहब। न जाने क्यों मुझे वो गुलियानवी की बजाय गुलियाना साहब कहा करता था, इकट्ठे ही निकलते हैं। मैं फराज के इंतज़ार में डेस्क पर ही बैठ गया। कॉपी में पहले ही तैयार कर चुका था, अब करने को कोई काम था नहीं, तो मैं वक्त गुजारने के लिए फ़ोटो देखने लगा जो कि फोटोग्राफर मुझे देकर गया था। फ़ोटो देखते देखते एक फ़ोटो देखकर मुझे शदीद झटका लगा। इस फ़ोटो में मुस्लिम लीग के बहुत से कारकुन सुप्रीम कोर्ट की इमारत में तोड़फोड़ कर रहे थे, मगर हम अहम जनाब तारिक अजीज़ थे जो इस वक्त मुस्लिम लीग के MNA भी थे। इनका प्रोग्राम तारिक अजीज़ शो खासा मकबूल जा रहा था। फ़ोटो में तारिक अजीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे और इनके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ था। मेरे जहन में फ़ौरन खबर बन गई। मैंने जाकर तैयार शुदा पेज वापस लिया और ख़बर दोबारा बनाने लगा।
इतने में फराज आकर आ गया कि गुलियाना साहब चले, मैं फारिग हो गया हूँ। मैंने मुस्कुराकर फराज की तरफ देखा और कहा, मगर मैं अब फारिग नहीं हूँ, मुझे तकरीबन 2 घंटे और लगेंगे, तुम जाओ। फराज ने हैरत से मेरी तरफ देखा और दफ्तर से निकल गया। मैंने पहले जो खबर बनाई थी इसकी सुर्खी सादा थी, मुस्लिम लीग के कारकुनों का सुप्रीम कोर्ट पर हमला। चूँकि हमले की खबर पहले भी चल चुकी थी इसलिए मैंने 2 कॉलमी खबर बनाई थी, अब मैंने 3 कॉलमी खबर बनाई और साथ ही उनवान भी बदल दिया। मैंने पूरी खबर ही तारिक अजीज़ के मुतालिक लिखी कि मोहब्बे वतन होने का दावा करने वाला शख्स सियासत में आकर क्या कर रहा है। मैंने ये खबर और फोटो अखबार के सफ़े पर लगाकर घर चला गया, मगर जब अगले दिन वापस आया तो इस खबर का हर तरफ चर्चा था और तारिक अजीज़ की शख्सियत मौजूए बहस बनी हुई थी। वो खबर जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई। मेरी लगाई इस खबर का हर जगह चर्चा होने लगा। इस खबर ने तारिक अजीज़ को भी हिलाकर रख दिया। खबर की मशहूरगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने अगले प्रोग्राम तारिक अजीज़ शो में तारिक अजीज़ को इस खबर का हवाला देकर बाकायदा वजाहत देना पड़ी। बकौल इनके वो तख्ती उखाड़ नहीं रहे थे, मैंने ऐसा ही लिखा था, बल्कि ज़मीन पे पड़ी हुई तख्ती को उन्होंने एहतरामन उठाया हुआ था, मगर अखबार में से उससे कोई और ही रंग दिया। खुदा जाने ये सही हो, हकीकत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। इस तरह के बहुत से वाकयात मेरी याद का हिस्सा हैं। बड़े बड़े सियासी लीडरों, मजहबी रहनुमाओं और आफिसरों के ऐसे ऐसे राज हैं कि सुनने वाला दंग रह जाए। एक बार हमारे क्राइम रिपोर्टर एक खबर बना लाया, बल्कि इसने तो पूरी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की थी कि फला फला आदमी CIA के लिए काम कर रहा है और बाकायदा इनसे डॉलर भी ले रहा है। इस बेचारे की ये रिपोर्ट अखबार में तो ना छप सकी, मगर दफ्तर के अंदर इस रिपोर्ट का बड़ा चर्चा रहा। एक दिन रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते मेरे शिफ्ट इंचार्ज, जिनका नाम मैं नहीं लिख रहा क्योंकि अब वो भी खासे बड़े आदमी बन चुके हैं, मुझे मुखातिब करके बोले, कुलियानवी साहब यार कोई बंदा ढूंढे जो हमें भी अमेरिकन एजेंट बनवाए और हम भी डॉलर कमाएं, इस तनख्वाह में तो महीना गुजरना मुश्किल हो जाता है। मैंने तो इनकी बात को मजाक ही समझा, मगर अगले चंद सालों में जितनी तेज़ी से उन्होंने तरक्की की इससे साफ लगता है कि उन्हें अपना मतलूबा बंदा आखिर मिल ही गया। अखबार में तनख्वाह वाकई कम थी और कभी कभी तो 2-2, 3-3 माह की तनख्वाह मिलती भी नहीं थी। कुछ अरसे बाद मुझे भी एहसास होने लगा कि इस तनख्वाह के साथ गुजारा मुश्किल है, मगर दीगर ज़राए से इस वक्त भी सहावत में बहुत पैसा था, मगर मैं शुरू दिन से हलाल और हराम के फ़र्क से खूब वाकिफ था। इस वक्त भी और आज भी मेरा ये यकीन है कि आपकी पैदाइश के साथ ही आपका रिस्क लिख दिया जाता है और आपको इतना ही मिलता है जितना आपके नसीब में लिखा है। हाँ, ये इख्तियार आपको ज़रूर दिया गया है कि इस रिस्क को आपने हलाल तरीके से लेना है या हराम तरीके से। मेरा अपना तजुर्बा है कि इंसान अगर अल्लाह पर भरोसा करे और सब्र के साथ मेहनत करे तो इंसान बहुत तरक्की कर सकता है और जितना रिस्क चाहे रिस्क के हलाल कमा सकता है। वैसे भी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग जल्दबाजी में रातों रात अमीर होना चाहते हैं वो वही गलत कामों की तरफ जाते हैं और रिस्क के हराम कमा कर अपनी दुनिया व आखरत दोनों ख़राब करते हैं। मुझे जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो सकता तो मैं दूसरे इम्कानात पर गौर करने लगा। पहले अपना कारोबार करने का सोचा, फिर ये प्रोग्राम बना कि अभी भी वक्त है, यूरोप में जाकर किस्मत आजमाते हैं
अगर वहाँ पर सेट हो गए तो ठीक, वरना वापस आकर पाकिस्तान में कोई कारोबार कर लेंगे। सो मैं रोज़नामा पाकिस्तान की नौकरी छोड़कर अगले मैदान की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वालिद साहब अक्सर कहा करते हैं कि मर्द और घोड़े के लिए ही मैदान बने हैं। अगर आप इस किताब को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप इजीली इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।